हेलो फ्रेंड्स, पहले तो सॉरी है कि मैंने थोड़ा लेट वीडियो अपलोड की है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भी चाहिए थी, इसलिए मैं अब मनाली टू सीसू जाके आया हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि उनको जो जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके लिए मैं सारे उस कमेंट्स का, वैसे भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है सारा, एज ए टूरिस्ट, एज ए वैसे आप वहाँ विज़िट करना चाहते हो या जो भी है, उनके रिगार्डिंग मैं सारा इसमें आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो है कि सबसे पहले मेन जो पॉइंट है वो है कि सारे लोग ई पास जब इंटरनेट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो उनका पेंडिंग में जा रहा है, जिस डेट का वो करना चाहते हैं वो भी पेंडिंग में जा रहा है। तो कईयों को प्रॉब्लम आ रही थी, कईयों ने तो होटल बुक कर लिया था, उसके बाद वो जब ई पास लेना चाहते थे, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे, उसमें हो नहीं रहा, पेंडिंग आ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, ये तो हिमाचल की गवर्नमेंट को ही चाहिए कि अगर उन्होंने खोला है तो ये ई पास का सिस्टम रखा है तो वो मिलने भी चाहिए ना, वो क्लियर बताएं भी। तो इसमें मैंने ये पता किया कि वन डे का सिर्फ वो 1500 जो कि ई पास है इंटरनेट पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए खोलते हैं, 1500 एंट्रीज। तो वो जो एंट्रीज है वो तो वैसे ही हो जाती है ख़त्म, इतने से तो हो ही नहीं रही। तो ये है कि अगर आपने वहाँ जाना है, हम कैसे गए, हमारा भी पहले पेंडिंग आ रहा था, तो जब हम वहाँ पहुँच गए ना, बाद में अप्रूवल हुआ हमारा, तो वो क्या फ़ायदा हुआ, तो हम गए कैसे। मैंने वहाँ सबसे पहले मनाली में 8-10 बार जा चुका हूँ, वहाँ मैंने एक पहले सबसे पहले होटल बुक किया, तो होटल वालों से मैंने बात की कि मैंने आना है ऐसे करके, उसको टाइमिंग और डेट का बता दिया कि इतने बजे मैं इतने इस दिन को मैंने एंटर होना है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने पहले तो उन्होंने पूछा किस डेट को आ रहे हो, वो अपने अपने हिसाब से पूछते हैं आप किस साइड से आना चाहते हो। आप मान लो आज आज के दिन अगर 27 को आना चाहते हो, 28 को आना चाहते हो, जिस दिन का होटल बुकिंग करना है उस दिन ही आप एंटर हो जाओगे हिमाचल में या नहीं होंगे, आप होशियारपुर की साइड से आ रहे हो, चंडीगढ़, शिमला या पठानकोट की साइड से आ रहे हो, तो उस हिसाब से वो पूछते हैं। और उनके बाद होटल बुक करने के बाद वो ही आपका ई पास बना देंगे। आप उनसे बात करना, वो 500 चार्जेस लेते हैं हमसे, उन्होंने दिए हैं 500 चार्जेस। वो एसडीएम ऑफिस से, वो क्या करते हैं कि एसडीएम ऑफिस से वो बनवा लेते हैं, सुबह ही, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो जैसे आपने मंडे आना है, अगर आपने मंडे आना है तो वो मंडे का भी बनवा सकते हैं, सुबह आप डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दो, वो जितने टाइम में आप घर से चलेंगे उतने टाइम में आपको अप्रूवल मिल जाएगी, नहीं तो आपको ट्यूसडे की अप्रूवल मिल जाएगी। तो ऐसे वो आपको ना ई पास, जो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सभी को, आप जाना चाहते हो, पेंडिंग शो कर रहा है या आपका हो नहीं रहा, ये उनकी तरफ से ही है। मैं तो ये कहता हूँ, उन्होंने ये खोला है अगर, तो ये परमिशन क्यों रखी है, परमिशन रखी है तो फिर अब वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, सभी को प्रॉब्लम आ रही है, ये भी बात है। इसलिए फिर एक ही सलूशन था इसमें हमारे लिए, हमने भी होटल बुकिंग वगैरह की, उस बंदे ने हमें ई पास लेके दिया, हमने उनको डॉक्यूमेंट सेंड किए और हमें उन्होंने ई पास हमें भेज दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको पेमेंट वगैरह कर दी, और जैसे कि मान लो जिस दिन हमने होटल बुकिंग की थी उस दिन से पहले ही हम यहाँ से चल पड़े होशियारपुर की साइड से, तो हमारा बैरियल ऊने आता है, ऊने जिस जिस बैरियल पे है वहाँ ही आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, मनाली में अभी ट्रैफिक वगैरह नहीं है कुछ भी, तो आप आराम से बस वहाँ ही थोड़ा टाइम लगता है वहाँ चेक पोस्ट पे, तो वहाँ आपका पास चेक करके आपको जाने देते हैं। तो एक दिन पहले का हमने रखा था, तो फिर हम
दूसरे दिन वहाँ पहुँचना था, चलो वो तो हम नाइट को पहुँच गए। और पहले इनका ये रूल था कि 5 बजे तक का कर्फ्यू, तो उसमें क्या था वो भी सारा मैं आपको बताता हूँ। हम जाके आए हैं, उसमें ये है कि 5 बजे तक तो उनकी शॉप्स वगैरह बंद होती हैं, मार्केट बंद होती हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह है रोड सारी रात चलती है, सुबह रात चलती रहती है। ऐसा कोई बात नहीं कि 5 बजे के बाद आप जा नहीं सकते। पहले हमें यही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि रूल्स में ही ऐसे लिखा था उन्होंने, तो हमने उसी हिसाब से डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ होशियारपुर साइड से जाएंगे, हम ऊना पास वगैरह चेक करवा के हम मंडी रुकना पड़ेगा हमें, कि डायरेक्ट वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, 5 बजे के बाद जाना था। तो फिर हमने पूरा क्लियर किया, वहाँ जो पुलिस होती है हिमाचल की उनसे पूछा, वो कह रहे हैं आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम डायरेक्ट 8-10 घंटे तक हम वहाँ पहुँच गए मनाली। तो फिर हमने होटल बुक तो दूसरे दिन का था, तो हमने क्या किया फिर होटल वालों से बात की, तो उन्होंने हमें रूम दे दिया। तो हमारे पास जो ई पास था वो चल गया। मतलब ये है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर आपको ई पास की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाना चाहते हो मनाली या डलहौजी या शिमला जाना चाहते हो, सबसे पहले आप होटल बुकिंग तो करोगे ही, ऑनलाइन आप ना छेड़ें अभी कुछ भी करें ही ना, आप उनको कॉल करो होटल वालों को, वो आपका ई पास बनवा के देंगे और साथ में होटल बुकिंग हो जाएगी, आप आराम से जा सकते हो। अगर किसी को कोई काम है वहाँ, मान लो आपने घूमने जाना है या वैसे ही ड्राइव करने जाना है, उसके लिए तो ये अच्छा। अगर आपने मान लो किसी रिलेटिव के पास जाना है या आपका वहाँ घर है या वैसे आप काम के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि आपको अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि इसके काम के लिए हम जा रहे हैं, फिर भी आप ई पास नेट से लोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मिल रहे हैं, उन्होंने क्वांटिटी घटा दी है, वो 1500 देते हैं एक दिन का। तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ SDM ऑफिस जो होता है वहाँ अपने रिलेटिव फ्रेंड्स या कोई भी है ना उनको आप बोल के, या आपको कोई टैक्सी वाला जाता है जानता पहचानता है, जैसे हमारे पास भी वहाँ टैक्सी वालों के नंबर हैं, उनका SDM में जाना होता है तो वो बना के दे देते हैं पास। तो इसके लिए आपको कोई और रीज़न है तो वहाँ आप कॉल करके किसी रिलेटिव फ्रेंड्स या होटल वाले से भी बात कर सकते हो, किसी से वो बनवा देगा, पैसे ही लेते हैं बस 500 रुपया, तो उसके बाद आपको ई पास मिल जाएगा। और उसमें कमेंट्स मुझे आ रहे थे, जैसे एक का कमेंट आया कि अब ज़रूरत नहीं है, मैंने सुना है ई पास की, क्यों नहीं ज़रूरत, मतलब कि 100 में से एक दो बंदा ऐसा होता है कि वो निकल जाता है बैरियर से भी, ऐसी बात नहीं है, वो कई बार देखते नहीं हैं, कुछ टाइम होता है ऐसा। तो ई पास तो वैसे ही ज़रूरी है, नहीं तो वो फाइन भी कर सकते हैं आपको।